जी नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। वेलकम बैक टू सतनाम सर आयल्स। और हम 10 दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला आयल्स का एकेडमिक के लिए, उसकी प्रेडिक्शन वीडियो की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 10th वाला एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ओनली एकेडमिक है, उसके साथ जीटी का एग्ज़ाम नहीं है। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है आपका वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाला है, ठीक है जी। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिलेगा एज पर माय प्रेडिक्शन। और मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये अपने 12 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। आप अपने टीचर से भी जो है ज़रूर सजेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हम अगर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग की। तो लिसनिंग का लेवल जो है वो ईजी रहने के चांसेस हैं, मॉडरेट नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी आपको जो है वो एग्ज़ाम आएगा, ठीक है जी। इजी आने का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही प्रैक्टिस छोड़ देनी है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, नो मोर देन 2 words और 3 words, ये वाली चीज़ की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल 3 words वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज शाम को जो हम लिसनिंग डालने वाले हैं उसमें भी 3 words वाली जो लिसनिंग है वही आएगी, और उसके लिए आपको इसकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। जो सेकंड आपका रहेगा उसमें आपके आएगा मैचिंग इन्फॉर्मेशन विद मैप, और थर्ड वाला जो है वो लॉन्ग MCQ आपको आने के चांसेस हैं। सो सारी की सारी जो लिसनिंग की प्रैक्टिस है आपको शाम को 6 बजे जो है इसमें मिल जाएगी। फोर्थ सेक्शन में आपको 1 word के साथ MCQ देखने को मिल सकते हैं, और कल जो हमने लिसनिंग डाली थी उसमें MCQ भी थे, आप उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको MCQ में दिक्कत है तो आपको वीडियो में नीचे एक मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, आपको बेनिफिट इसके लिए जरूर मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो रीडिंग की, तो रीडिंग की काफी ज्यादा इजी रहने के चांसेस हैं। फर्स्ट पैसेज ईजी रहेगा, सेकेंड जो है वो भी ईजी रहेगा, थर्ड थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। तो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग और जो 1 word वाली ब्लैंक्स होती हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। विच पैराग्राफ कंटेन्स आने के चांसेस है, सेकंड में समरी और राइटर ओपिनियंस आ सकते हैं। थर्ड पैसेज जो है उसमें MCQ के साथ आपको मैचिंग सेंटेंस, और जो थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो सकता है कि जो ब्लैंक्स हैं वो बॉक्स वाली आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर किसी स्टूडेंट को लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम है तो लिंक जो है मैंने उस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाइए और आप वहां पर क्लिक करके वो सारे डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें राइटिंग की तो राइटिंग का जो लेवल है वो भी इजी रहने के चांसेस हैं, ठीक है जी। हो सकता है कुछ लोकेशंस के ऊपर थोड़ा बहुत मॉडरेट आपका जो है आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इजी ही रहेगा। टास्क 1 में बार पाए मल्टी चार्ट्स और मैप आने के चांसेस, और आपने ध्यान रखना है 8th को जो एग्ज़ाम है अगर उसमें प्रोसेस या मैप आता है तो आपको आपके मैप आने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने 8th वाला जो एग्जाम है 8 दिसंबर का उसके ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम टास्क 2 की बात करें तो डिस्कस बोथ व्यूज, एग्री डिसएग्री, स्टैंडर्ड लेवल, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट के साथ आउटवे वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, जिस वीडियो को नहीं देखा है, कॉमेंट सेक्शन में जाएं, लिंक आपको मिल जाएगा, और आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम जो है 17 के लिए, 24 के लिए और जैन एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए जो है वो प्रेडिक्शन की वीडियो लेके आने वाले हैं। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दूसरे फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू सो मच।